आइए दोस्तों, आज हम बनाते हैं वन पॉट मील पनीर दम बिरयानी, जो बन जाती है कंपैरेटिवली अदर बिरयानी से थोड़ी सी जल्दी। ओम नमो नारायण दोस्तों, कुछ दिनों से सोच रही थी घर पर बनाए पनीर से क्या बनाऊं। मैंने पनीर घर पर बना कर रखा था। वैसे तो मैंने 2 से 3 डिशेस पनीर की दिखा दी है, मटर पनीर और पनीर के पराठे। तो इस बार मैंने सोचा पनीर दम बिरयानी बना दूँ। पुदीना और हरा धनिया मैंने लाकर रखा था, वो थोड़ा सा काला भी पड़ गया था, तो आज इसका टाइम आया है बनाने का। मैंने एक भगोने में पानी उबालने रख दिया, इसमें डाले हैं खड़े मसाले। डिस्क्रिप्शन में मैंने मसालों की क्वांटिटी लिख दी है, चेक कर लीजिए। काली मिर्च, शाही जीरा, तेजपत्ता, चक्री फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इस तरह से मैंने जो भी मसाले पानी में डलते हैं वो सब डाल दिए हैं। पानी को उबलने रख दिया है। बासमती चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। यह है बासमती चावल, इसे मैंने धोकर भिगोने रख दिया था, ये भीग चुके हैं। अब हम इसमें पानी उबलते ही ऐड कर देंगे। हमारा पानी उबल गया है, मैंने इसमें ऐड कर दिए चावल, अब ये उबल जाएंगे। जब तक चावल बनेंगे हम ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ मैंने वो ऑयल लिया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई करके रखा था। काजू और गाजर भी मैंने इसी ऑयल में फ्राई किए थे, ये फ्लेवर्ड ऑयल है। ये देखिए, मैंने सब कुछ फ्राई करके प्रिपरेशन करके रखी है। तेल में हम डालेंगे खड़े मसाले, फिर डालेंगे जो हमने प्याज फ्राई की थी वो थोड़ी सी, आप कच्ची प्याज भी डाल सकते हैं। 2 से 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छी तरह पकने देंगे। फिर डालेंगे टमाटर, 2 से 3 टमाटर मैंने डाले हैं। आप अगर आपको थोड़ी सी खटास कम चाहिए तो थोड़ा सा कम टमाटर यूज़ कर सकते हैं। 6 से 7 हरी मिर्च को मैंने स्लेट कर डाला है, इससे इसका टेस्ट ग्रेवी में काफ़ी अच्छा आता है। इसे हम अच्छी तरह पका लेंगे। अब हम डालेंगे मसाले। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को यूज़ किया है, इससे बिरयानी का कलर अच्छा आता है। फिर डालेंगे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बिरयानी का मसाला। मैंने यहाँ बिरयानी का मसाला लिया है, आप इसकी जगह पर गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर पर बना हुआ हो, या फिर आपके पास जो भी बाज़ार का गरम मसाला हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डालेंगे हम दही, इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने दही को फेटा नहीं है, डायरेक्टली डाला है, आप फेट कर भी डाल सकते हैं। इसकी हम अच्छी तरह ग्रेवी बना लेंगे, इसे वो पका लेंगे अच्छी तरह। चावल उबल गए हैं। कैरेट मैंने 250 ग्राम्स लिए हैं, मेरे पास रखे हुए थे, आपको अगर डालना हो तो डालिए, ये ऑप्शनल है, नहीं डालना हो तो नहीं भी डाल सकते। तो अब हम डालेंगे बिरयानी मसाला। यहाँ मैंने पनीर के क्यूब्स कर रखे हैं, मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया, मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ, मुझे पनीर ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बिरयानी में पनीर ऐसे ही अच्छे लगते हैं। पनीर डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो हमारी ग्रेवी यहाँ पर बनकर रेडी है। चावल भी ऑलमोस्ट उबल गए हैं, चेक करेंगे। ये देखिए, हमारे चावल बनकर रेडी है, 80 से 90% ये बन जाने चाहिए, ये देखिए। तो यहाँ मैंने दूसरे पतीले में डाल दिए हाफ ऑफ द ग्रेवी जो हमने बनाई है पनीर की। फिर हम डालेंगे फ्राइड अनियंस, काजू, पुदीना और हरा धनिया। फिर डालेंगे हम चावल। चावल को झारी से निथार कर अच्छी तरह फैला कर डालिए, जिससे ये पूरे पतीले में अच्छी तरह फैल कर इसे फैला कर डालिए, इसे चावल नीचे से लगेंगे नहीं। ये देखिए, इस तरह से हमें फैला देना है।
फिर हम डालेंगे घी, 2 से 3 टीस्पून घी डालेंगे, इससे बिरयानी का टेस्ट अच्छा आता है। फिर हम ऊपर से डालेंगे बरिस्ता, मतलब फ्राइड अनियंस, काजू डालेंगे और गाजर अगर बची हो तो वो भी डाल दीजिए। इस तरह से पूरे बरिस्ता को हमने यूज़ कर लिया है। हरा धनिया और पुदीना जो बचा है उसे भी डाल देंगे। फिर हम डालेंगे उबले हुए चावल, जो हमने ग्रेवी बनाई है उसे यूज़ कर लेंगे। हाफ ऑफ द ग्रेवी जो बची थी, रिमेनिंग ग्रेवी, उसे भी हम डाल देंगे। ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है, कश्मीरी लाल मिर्च हमने यूज़ की थी यहाँ, इसे हम अच्छी तरह फैला लेंगे। मैंने यहाँ कोई कलर यूज़ नहीं किया है, ये जो कलर आया है कश्मीरी रेड चिली का है। इस पर डालेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला। अब हम डालेंगे उबले हुए चावल, पानी अच्छी तरह निथार कर हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। इससे दम लगकर बिरयानी का टेस्ट अच्छा आ जाएगा, चावल और ग्रेवी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। इसे हम सर्व करेंगे कुकुम्बर और अनियन के रायते के साथ। तो बनाइए इस तरीके से और कमेंट में बताना आपको बिरयानी कैसी लगी।